उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान जारी है। इसी बीच लखनऊ, सीतापुर, खीरी, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बांदा, फतेहपुर और पीलीभीत जिले में वोटिंग हो रही है। ऐसे में अभी तक 37.45% मतदान हो चुका है। जहां समाजवादी पार्टी ने कई जगह फर्जी मतदान का आरोप लगाया है, वहीं लखनऊ के मोहनलालगंज में पंचसरा बूथ पर जमकर हंगामा हुआ है। मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र के पंचरसा बूथ पर कांग्रेस के एजेंटों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, जहां पुलिस ने उनको बाहर कर दिया। वहीं लखनऊ के सरोजनी नगर के 170 विधानसभा क्षेत्र में फर्रुखाबाद चिल्लावा स्थित डी मॉडल स्कूल की सुबह से बूथ नंबर 197 की ईवीएम मशीन खराब होने के चलते तमाम वोटर वापस हो गए, जिस पर मतदाता सुरेंद्र व सतीश ने बताया कि सुबह 7 बजे पोलिंग बूथ पर आए थे, लेकिन मशीन खराब होने के चलते बाहर चले आए, कुछ देर बाद दोबारा फिर जाएंगे। इसके अलावा सरोजनी नगर बीएसपी प्रत्याशी जलीस खान भी इसी समय वोट डालने पहुंचे तो ईवीएम मशीन खराब होने के चलते वापस लौट गए। इसकी शिकायत उन्होंने संबंधित अधिकारियों से की। आपको बता दें कि बाद में करीब 3 घंटे बाद दोबारा पहुंचकर उन्होंने अपना मत दिया। मशीन खराब होने के चलते करीब 1.5 घंटा मतदान रुका रहा, लेकिन मशीन लगने के बाद मतदान फिर से चालू हो सका।